वेलकम बैक टू माय चैनल सिरकन ब्लॉग। आज हम लाए हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम बताएंगे आपको इंडिकेटर के बारे में कुछ। ये मेरे गाड़ी में जो दिक्कत आने लगी वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में आप देखेंगे एक इंडिकेटर तो टाइम टू टाइम चल रहा है लेफ्ट साइड का, और जो हम राइट में करते हैं तो ये जल्दी जल्दी ब्लिंक करता है। तो ये प्रॉब्लम होती है कि आप चेक करिए आपकी कौन सी लाइट जल रही है कौन सी नहीं जल रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी लेफ्ट तो अच्छा वर्क कर रहा है, राइट में ही दिक्कत आ गई है। पता नहीं क्या, अब हम देखते हैं उधर के, बाकी मैं बताता हूँ। अभी ये पीछे की तो जल रही है, बाकी आगे चलते हैं अभी हम देखते हैं और जल रही है कि नहीं। ये वाली साइड भी जल रही है और हम आगे, अब आगे की चेक कर, ये वाली साइड देखेंगे अब जल ही नहीं रही है। इसका मेरे को लग रहा है कि ये बल्ब वगैरह ख़राब होगा, ये होता है इसका बल्ब, इसको निकालेंगे हम। ये हमने निकाल दिया, ये आप चेक करेंगे तो मेरे को ठीक लग रहा है। बाकी हम इसका बल्ब चेंज करके देखेंगे, मैं इसका बल्ब लेकर आता हूँ। ये मैं ले आया हूँ इसका दूसरा बल्ब, और ये पड़ा है इसका खराब वाला। बाकी अब चलते हैं, ये इसका चेंज करने वाला, इसके अंदर हम लगाएंगे। और ये आप मार्केट से जब बल्ब खरीदे तो इसके पिन वगैरह चेक कर ले, क्योंकि ये अलग पिन का भी आता है इसमें। बाकी मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से फ्रीजर ने लगा है, ये काम कर रहा है। अभी रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसको प्रॉपर ऐसे ठीक कर देंगे, बाकी जल रहा है। बाकी हम अंदर देखेंगे चल के कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये अंदर ठीक हुआ नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है इस बल्ब की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए अंदर देखते हैं। चलिए, और ये ऑटोमेटिक ठीक हो चुका है। यदि आपकी गाड़ी में भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, और ये लेफ्ट का भी ऑटोमेटिक ठीक चल रहा है, राइट का भी ठीक चल रहा है। और चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बाकी बाय बाय।